नमस्कार मित्रों, साथियों, एक गरीब ब्राह्मण था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान श्री राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका भाव ये था कि कोई श्रोता आए चाहे ना आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे ही। इस तरह से वो ब्राह्मण कथा कहने लगा। अब पंडित जी की कथा में थोड़े थोड़े करके श्रोता आने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब भीतर से कुछ आवाज आई। ऐसा लगा कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपए का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान ठीक हो जाए। हनुमान जी कहने लगे, ठीक है महाराज, इसके 100 रुपए पैदा हो जाएंगे। सेठ ने ये सुना तो वह कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिले और उनसे कहा, महाराज, कथा में रुपए पैदा हो रहे हैं कि नहीं? पंडित जी ने कहा, श्रोता तो बहुत कम आते हैं तो रुपए कैसे पैदा हों? सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना पैसा आए वह मेरे को दे देना और मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। पंडित जी ने सोचा कि उसके पास कौन से इतने पैसे आते हैं, 50 रुपए तो मिलेंगे। पंडित जी ने सेठ की बात मान ली। उन दिनों 50 रुपए बहुत महत्व रखते थे। 50 रुपए बहुत सा धन माना जाता था। इधर सेठ की नियत थी कि भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु हनुमान जी 100 रुपए पंडित जी को जरूर देंगे, मुझे सीधे सीधे 50 रुपए का फायदा हो जाएगा। जो लोभी आदमी होते हैं वे पैसे के बारे में ही सोचते हैं हमेशा। सेठ ने भगवान जी की बातें सुनकर भी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पैसे की ओर आकर्षित हो गए। अब सेठ जी की कथा के उपरांत पंडित जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि कितना रुपया आया। सेठ के मन में विचार था कि हनुमान जी 100 रुपए तो भेंट में जरूर दिलाएंगे, मगर पंडित जी ने कहा कि 5-7 रुपए ही आए हैं। अब सेठ को शर्त के मुताबिक 50 रुपए पंडित जी को देने पड़े। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने पंडित जी को 100 रुपए नहीं दिए। अब वह मंदिर में गया और उसने हनुमान जी की मूर्ति पर जोर से घूसा मारा। घूसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति पर चिपक गया। अब सेठ जोर लगाए अपना हाथ छुड़ाने के लिए, पर नाकाम रहा। हाथ हनुमान जी की पकड़ में ही रहा। हनुमान जी किसी को पकड़ ले तो वह कैसे छूट सकता है? सेठ को फिर आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे कि तुमने ब्राह्मण को 100 रुपए दिलाए कि नहीं। हनुमान जी ने कहा, महाराज, 50 रुपए तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपए के लिए सेठ को पकड़ रखा है। वह 50 रुपए दे देगा तो मैं छोड़ दूंगा। अब सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मेरे को देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। वह चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज, मेरे को छोड़ दो, मैं 50 रुपए दे दूंगा। हनुमान जी ने सेठ को छोड़ दिया। अब सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपए दे दिए। इस तरह से हनुमान जी ने उस गरीब ब्राह्मण को 100 रुपए दिलवा दिए। मित्रों, भगवान सबकी मदद करते हैं। किसी भी जरिए से कैसे भी करें, लेकिन हमेशा भगवान ही मदद करता है।
किसी भी इंसान के रूप में मदद कर सकते हैं भगवान। मित्रों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही भगवान की या प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए तब तक के लिए नमस्कार। जय हनुमान, जय श्री राम।